दोस्तों, हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह बन गया है जिस पर इंसान अपने कदम रख चुका है। इसके अलावा चांद पर कई एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं, ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है चांद का जन्म कैसे हुआ? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात को पूरे डिटेल से जानते हैं कि आखिर चांद का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चांद के जन्म को लेकर कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में आज हम बात करेंगे। चांद के जन्म को लेकर सबसे पहला थ्योरी है द फिजन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार चांद पहले पृथ्वी का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जो बाद में किसी टकराव के कारण चांद पृथ्वी से अलग होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। लेकिन दोस्तों, मुझे इस थ्योरी में सच्चाई नहीं दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों, अगर यह बात सच है तो चांद की सतह भी पृथ्वी के सतह की जैसी होनी चाहिए। और दोस्तों, यह बात बिल्कुल भी सच नहीं है कि चांद की सतह पृथ्वी की जैसी है। इसके बाद चांद के जन्म को लेकर दूसरा सिद्धांत द कैप्चर थ्योरी दिया गया है। इस थ्योरी के अनुसार चांद पहले हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं था, बल्कि किसी दूसरे सौर मंडल से आया था और उसको पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींच लिया और बाद में चांद पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात सच है तो चांद को भी आकार में पृथ्वी से काफी छोटा होना चाहिए था, लेकिन चांद तो सिर्फ पृथ्वी से चार गुना ही छोटा है। तो फिर कैसे पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चांद को अपनी ओर खींच लिया? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा नहीं है कि वो किसी इतनी बड़ी चीज को अपनी तरफ खींच सके। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह नहीं है, बल्कि चांद को एलियंस के द्वारा बनाया गया है और वो समय समय पर चांद को देखने आते हैं। लेकिन इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि चांद को एलियंस ने बनाया है। लेकिन दोस्तों, इसका भी कोई सबूत नहीं है कि चांद पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा दोस्तों, चांद के जन्म को लेकर एक और सिद्धांत है जिसको काफी हद तक सही मानी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार कई अरबों साल पहले एक थिया नाम का मंगल ग्रह जितना बड़ा एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, जिसके कारण पृथ्वी के कई छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में बिखरकर आज के चांद का निर्माण किया। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक काफी हद तक सही मानते हैं, क्योंकि दोस्तों, पृथ्वी पर थिया के टुकड़े देखने को भी मिले हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ सिद्धांत है, लेकिन आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है कि असल में चांद का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।